बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज देखने वालों पर खुदा की सलामती है। मैं बाबर इमैनुअल और आज आप मेरे साथ मौजूद है टॉप पर, यानी कि बाबू सर टॉप पर। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। हमारे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं जो कि एज ए टूर ऑपरेटर भी काम करते हैं और वो एक पूरा ऑर्गेनाइज टूर लेके यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे इस सारे टूर प्लान के बारे में। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ नेशनल न्यूज का। आप अपना नाम भी बताइएगा और जो भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है, आपके ट्यूबर के साथ है, आपके शाह हैं, उनके बारे में। सबसे पहले बाबा साहब आपका शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और आपने हमें मौका दिया कि हम आपको इस सारे टूर के बारे में बता सकें। मेरा नाम रियाज टीचर है और सेम टीचर शख्स से मेरा तल्लुक है और ये सारे लोग जो हैं तमाम लोग तकरीबन शख्स से तल्लुक रखते हैं। और कितने शाह हैं इस वक्त आपके साथ? हमारे साथ तकरीबन 60 लोग हैं और इसके अलावा कोई 8-10 बच्चे हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो खुदा का शुक्र है सारे सेहतमंद हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इस जगह पर आकर हमारा इंटरव्यू लिया और हमें दावत दी कि हम अपने बारे में कुछ बता सकें। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर पहुँचे हमारे साथ। आप अपने प्लीज़ टूर के बारे में बताएं कि किस तरह से इसे प्लान करते हैं, आप अपने जो आपके साथ सियाह आते हैं उनको किस तरह से अकोमोडेट करते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताइए ताकि और ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें और आपसे रब्ता करें। हमारा ये टूर हमारे चर्च लेवल पे होता है और हमारे जो खास करके क्वायर के बच्चे, यूथ के बच्चे और चर्च मेंबर हम उनको दावत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपके साथ इस टूर में आना चाहे क्या वो भी वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? मसीही होने के नाते हम सबको मोहब्बत का खुदा ने दर्श दिया है तो हम मोहब्बत के साथ किसी को भी कबूल कर सकते हैं। अगर कोई आना चाहता है हम बिल्कुल मुनासिब से पैसे लेते हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करते कि हमें कोई बचत हो। हम तो अपने से चर्च से फंड लेकर कुछ जो है उन पर लगाते हैं ताकि ये हमारी कलीसिया के लोग हैं, हमारे चर्च के लोग हैं, ये हमारी क्वायर के लोग हैं, हम हर साल इनको एंजॉय करवाते हैं। लास्ट टाइम हम सवाद गए थे हमने 6,000 रुपये पर पर्सन लिया था। अभी आपको पता महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर हमने 9,000 रुपये पर पर्सन लिया है और 5 दिन का टोटल टूर है जिसमें खाना भी है, रहाइश भी है और आगे सारा जो विजिट है वो भी जो है इन पैसों में है। तो ये भी रियाज साहब बहुत मुनासिब है नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है महंगाई का क्या आलम है इस वक्त और 9,000 में लाहौर से यहाँ तक की ट्रैवलिंग, खाना, रिहाइश, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, एशिया के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद की और उन दोस्तों के नजर आ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे लोगों से जो ट्रैवल करवाते थे, एजेंसी वगैरह हैं जो टूरिज्म करवाते हैं उनसे रब्ता किया तो कम से कम उन्होंने कहा जी 12,000 रुपये हम एक पर्सन का लेंगे। लेकिन हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि हमने ये 60 लोग हम 9,000 रुपये में लेकर आए हैं। अच्छा खाना दिया, अच्छी अकोमोडेशन दिया, अच्छा ट्रैवलिंग है, कोई मसला नहीं। एयर कंडीशन जो लाहौर से चले हैं एयर कंडीशन ऑन हो गया, सफ़र बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। तो हम शुक्रगुजार हैं भाई शानी के भी जिन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हमारे लिए। वो कि वो एक मुस्लिम आदमी है लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत हमारे साथ हमेशा रही है। रियाज भाई एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने इस 9,000 में जिस तरह से आपने रान वैली को आपने सारा डिस्कवर करवा रहे हैं, इसके साथ और कौन कौन से पॉइंट हैं उनके बारे में बताइएगा जो आप विजिट करवाएंगे आप इस प्लान में? कल जो प्रोग्राम है वो जील सैफुल मुलुक है, वहाँ पे हम जाएंगे सुबह के टाइम, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद हम पिंडी जाएंगे और पिंडी पे जहाँ पे जो है लेक व्यू वहाँ पे विजिट करवाएंगे और उसके बाद हम लाहौर जाएंगे। थैंक यू सो मच रियाज साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने मुलाकात की और जाना कि किस तरह से ये एक बहुत ही चीप टूर है, आप इनसे मिल सकते हैं। चीप मैंने इसलिए लिहाज से बोला कि मुनासिब दाम है इसलिए। तो अभी मुझे इजाज़त दें और आपसे और भी जो यहाँ पर इनके साथ टूरिस्ट आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे इस सारे प्लान के बारे में कि वो किस तरह से अकोमोडेट हो रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जैसा कि रियाज साहब ने बताई हैं आखिर उनको मिल रही हैं कि नहीं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक स्नोमैन बनाया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि ये लाल रंग किस तरह से बना रहे हैं, इस चीज़ में क्या है? आप बताइएगा आपका नाम क्या है? नाम जैसे
पूजी को लेना है। और ये आप बना रहे हैं स्टिंग का स्लो में, तो ये तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। आप इसकी एड देखी हुई है स्टिंग की? नो, आप स्टिंग की एड देखी है? Yes. आप इसे स्टिंग पिला रहे हैं तो ये तो खा के जाए, पहाड़ी ऊपर चला जाए। अच्छा, और आपके साथ कौन कौन आए हुए यहाँ पे टूर में? फैमिली में कौन कौन आया हुआ है आपके साथ? पापा, मामा, बहन भाई, कजन। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? यस। आप एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? यस। तो ये स्नोमैन का वो नाक नजर नहीं आ रही, वो हम अभी बना रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि छोटे बच्चे यहाँ पर जून के मौसम में स्नोमैन बना रहे हैं। ये जो रोड अभी आप देख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये रोड सीधा कराकरम हाईवे पे जाता है, आगे चिलास, चिलास से फिर गिलगित, और गिलगित से यही रोड कराकरम हाईवे से जब मिलता है तो आगे चीन तक यही रोड जाता है। इसको सिल्क रूट भी कहते हैं और इसे कराकरम हाईवे भी बोलते हैं। तारुफ करवाया था इरफान भुट्टा साहब से, जो वहाँ पर बैठे बड़ा लुत्फानंदोज़ हो रहे थे उन नज़ारों से। अभी वो हमारे साथ फिर मौजूद हैं बाबू सर टॉप पर, और मैं इन्हीं के साथ ही आया हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ आएंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अकोमोडेट किया और यहाँ पर देखे। ये बहुत ही जन्नत नज़ीर नज़ारे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे सियाती मुकाम हैं जहाँ पर पूरा साल टूरिस्ट आते हैं और वो इंजॉय करते हैं अपने खानदानों के साथ। ऐसे ही है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है आप इस वक्त? टॉप पर हैं, बाबू से टॉप के ऊपर, और आप देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे पहाड़ हैं जो आप देख रहे हैं कि उनकी चोटियां आप देख रहे हैं। आप इंजॉय कर रहे हैं, स्नो के साथ खेल रहे हैं, खुद इंजॉय हो रहा है। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस मौसम में भी यहाँ पर एक भाई अकाफ वाले भी हमारे पास आए हुए हैं। यहाँ से ही इन्होंने लगता है अकाफ को पकड़ा है और अब इन्होंने अपने जरिया मुआश बना लिया है, लोग इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं और ये बहुत ही अच्छी एक जरिया आमदनी भी है क्योंकि टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इन परिंदों के साथ तस्वीरें खिंचवा।